हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज से सी टेट का दोस्तों यानी कि सी टेट वाई साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक तरीका से यानी कि दोस्तों इतनी डीपली पढ़ाऊँगा दोस्तों कि आपको पक्का समझ में आएगा। ओके दोस्तों, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर हम पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा दोस्तों, मैंने कुछ ट्रिक्स के हिसाब से तो बताया मैंने कि क्या क्या साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ को माना है। जैसे दोस्तों, पहली ट्रिक हमारी क्या है यानी कि ये ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है हमारा कि दोस्तों इसमें व्यक्तित्व मापन के प्रमुख सिद्धांतों को करने की ट्रिक। ओके दोस्तों, यानी व्यक्तित्व जो होते हैं व्यक्तित्व मापन के प्रमुख सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक। दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारी यानी कि हमारी ट्रिक ये है दोस्तों, आत्मा के विपरीत जीव की मांग हमें मन तथा शरीर से करनी है। आत्मा के विपरीत जीव की मांग हमें मन तथा शरीर से करनी है। दोस्तों, आत्मा से क्या हो गया, आत्मज्ञान का सिद्धांत। ओके दोस्तों, आत्मा से हो गया आत्मज्ञान का सिद्धांत। ओके दोस्तों, दोस्तों ये किसने दिया, ये किया मैसलो ने। ओके दोस्तों, दूसरा दोस्तों विशेष सिद्धांत यानी कि आत्मा, आत्मा फिर दोस्तों आत्मा हो गया विशेष, हो गया विशेष सिद्धांत। दोस्तों ये दिया किसने, कैटल ने। ओके दोस्तों, तीसरा है दोस्तों यानी कि हमें क्या ट्रिक थी, आत्मा फिर जीव यानी कि तो जीव से होगा दोस्तों जीव का सिद्धांत। ये किसने दिया दोस्तों, गोल्ड स्टीन ने। ओके दोस्तों, जीव का सिद्धांत दिया दोस्तों गोल्ड स्टीन ने। दोस्तों अगला क्या है, मांग यानी मांग से होगा दोस्तों मांग का सिद्धांत। ये किसने दिया दोस्तों, मैसलो ने। मांग का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, मैसलो ने। हमें दोस्तों, हमें से हो गया हार्मिक सिद्धांत, ये दिया दोस्तों मैकडूगल ने। हमें फिर दोस्तों क्या हो गया, हार्मिक सिद्धांत। दोस्तों ये किसने दिया है, मैकडूगल ने। ओके दोस्तों, दोस्तों फिर आगे पॉइंट क्या है हमारा, मन यानी मन से क्या होगा दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों ये दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों यानी ये दिया है दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। ओके दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। फिर लास्ट में क्या बचा दोस्तों, शरीर, शरीर से होगा दोस्तों शरीर रचना का सिद्धांत। ये किसने दिया दोस्तों, शेल्डन। ओके दोस्तों, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, शेल्डन ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, दोस्तों आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, यहाँ अगली ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, तो आगे दोस्तों हमारा आ गया दोस्तों पॉइंट अगला है हमारा, बुद्धि मापन के प्रमुख सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक। दोस्तों वो हमारी व्यक्तित्व मापन का था, दोस्तों ये हमारी बुद्धि मापन के प्रमुख सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक। दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी दोस्तों ये है यानी कि कैली थे समूह में थॉर्न बहुत आए। ओके दोस्तों, कैली थे समूह में थॉर्न बहुत आए, एक बार बिने दो तीन बार मैन आई। ओके दोस्तों, दोस्तों पहली हमारी क्या है, पहली दोस्तों समूह यानी कैली थे समूह में था तो समूह, तो समूह कारक प्रदान दिया दोस्तों कैली व थर्स्टन ने यानी कैली, ये इतना होगा दोस्तों कैली थे समूह में। दोस्तों ये हमारा एक पॉइंट हो गया, तो यानी समूह कारक प्रदान दिया दोस्तों कैली था थर्स्टन ने। दूसरा है दोस्तों थॉर्न बहुत आए यानी बहु से होगा दोस्तों बहुखंड सिद्धांत, और थॉर्न दोस्तों थॉर्न से होगा थॉर्न डाइक। दोस्तों बहुखंड सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्न डाइक ने। ओके दोस्तों, तीसरा है दोस्तों एक खंड यानी दोस्तों एक खंड सिद्धांत दिया दोस्तों बिने व ट्रमन ने, तो हमारा कहा था एक बार बिने यानी कि तो एक बार बिने यानी एक से होगा दोस्तों एक खंड सिद्धांत किसने दिया है, बिने व ट्रमन ने। ओके दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों चौथा पॉइंट, दो तीन बार मैन आए, मैन से होगा दोस्तों स्पीयर मैन यानी कि दोस्तों दो तीन यानी त्रिखंड सिद्धांत दिया है स्पीयर मैन ने। चौथा क्या है, त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, स्पीयर मैन ने। ओके दोस्तों, पाँचवा है तीन खंड का सिद्धांत, ये किसने दिया दोस्तों, ये भी दिया हमारा स्पीयर मैन ने, क्योंकि हमारा क्या था उसमें दो तीन बार मैन आए, मैन से हो गया स्पीयर मैन। ओके दोस्तों, दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारी क्या ट्रिक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हमारा दोस्तों, आगे दोस्तों हमारा कि किन किन मनोविज्ञानकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। ओके दोस्तों, इसमें ये बताया कि कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान माना है। दोस्तों तुम्हारा ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक है हमारी दोस्तों यानी कि बुड में शिवम किरो है। दोस्तों बुड में शिवम किरो है, दोस्तों बुड से हो गया बुडवर्थ, बुड से बुडवर्थ, मै से मैकडूगल, से स्किनर, ब से वाटसन, म से मन, क्रो से क्रोएंड
करो। ओके दोस्तों, दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप दो तीन बार पढ़ोगे दोस्तों आप इसे भूल ही नहीं सकते हो पे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एफ जी बनाने में काफ़ी दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, अब वो भी मैं अपने हाथ से लिख के तब बनाता हूँ दोस्तों। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, दोस्तों अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ 10 से 15 क्वेश्चन लिए दोस्तों, उन्हें हम डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों क्या है हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य जो कुछ ही बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम पूछ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों किसने कहा, ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो स्टार्टिंग के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में या हालत में होते हैं, ये किसने कहा है दोस्तों, ये क्या है हमारा थॉर्नडाइक ने। ओके दोस्तों, कितने कहा है थॉर्नडाइक ने। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, शेषवा अवस्था सीखने का अनोखा काल है दोस्तों, ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है हमारा वैलेंटाइन ने। ओके दोस्तों, कितने कहा है वैलेंटाइन ने। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शेषवा अवस्था सीखने का अनोखा काल है, ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है वैलेंटाइन ने। दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं दोस्तों, ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है रूसो ने। ओके दोस्तों, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं दोस्तों, ये कहा है रूसो ने। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, किशोरावस्था संघर्ष तूफान तथा उथल पुथल की अवस्था है, ये किसने कहा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, ये कहा दोस्तों स्टेनले हॉल ने, किसने कहा दोस्तों स्टेनले हॉल। ओके दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों, ये किसने कहा है, ये कहा दोस्तों अरस्तू ने। ओके दोस्तों, किसने कहा दोस्तों अरस्तू ने। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, ये किसने कहा दोस्तों, ये कहा है दोस्तों वुडवर्थ ने। दोस्तों वुडवर्थ ने क्या कहा है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच जाता है, किसने कहा दोस्तों, ये कहा है हमारा वुडवर्थ ने। दोस्तों आज का हम आठवां क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है दोस्तों, मैं आपको 10 क्वेश्चन इससे कराऊंगा दोस्तों। आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्म जात प्रवृत्तियों को सुधारने की प्रवृत्ति है, ये किसने कहा दोस्तों, ये कहा दोस्तों मैकडूगल ने। ओके दोस्तों, किसने कहा ये मैकडूगल ने। दोस्तों नौवां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वय रूप है, किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है गिलफोर्ड ने, यानी व्यक्तित्व गुणों का समन्वय रूप है, ये किसने कहा दोस्तों, ये कहा है गिलफोर्ड ने। ओके दोस्तों, दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा दोस्तों, ये कहा है हमारा क्रो एंड क्रो ने। ओके दोस्तों, किसने कहा है क्रो एंड क्रो ने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में आपको इससे और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस कराऊंगा और कुछ पॉइंट भी बताऊंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।